एक दिन एक उरांव जाति का आदमी दारू पी करके यानी हड़िया पी करके बाहर साहब से मिलने के लिए आया, तो हम लोग भी पहले समझते थे कि कल्याण आश्रम रहना, कल्याण आश्रम अगर है तो हिंदू के लिए है, और हिंदू के लिए है ये दारू पानी बकरा मुर्गा जो है, हैं बकरा मुर्गा ये नहीं चलेगा, हम लोग दिमाग में था, जगदेव राम जी की दिमाग भी था, हमारे दिमाग में शुद्ध सात्विक, इसका नाम कल्याण आश्रम, शुद्ध हिंदू इसका मतलब कल्याण आश्रम। जब दरवाजे के अंदर देश पांडे करके चिल्ला करके घुसने लगा तो मैं वहीं था, मैं उसको डांटा रोका, तो बाहर सबको आवाज सुनाई दी और खुद आए बाहर। फिर मेरे को क्यों डांट रहे आने दे, मरगा डूट लेगा हरिराम करके शराब पी करके आए थे, और उसके बाद उनसे गले लगा लिया आला साहब। हाँ आला, तो पसीना पसीना हो गए, हम डांट रहे हैं हैं, और वो हमसे थोड़ी से नाराजगी व्यक्त की बाला साहब, और उनको बुलाया और गले लगा लिया हैं, गले लगाया तो वो भी पानी पानी हो गया हैं, तो गले लगाया तुरंत पहुंच हो गया। फिर उनसे बातचीत किया, है उसके बाद प्रसंग खत्म हुआ, चले गए। जगदेव राम जी को, गणेश राम जी को, दोनों को उन्होंने बाद में शाम को बुलाया, उन्होंने कहा यही तो धर्म है। बाल साहब ने कहा यही तो धर्म है, हैं इसी को तो जीवित रखते हुए हैं अपना हिंदुत्व का विचारधारा को खड़ा है। हड़िया नहीं पीना बोलोगे, बीड़ी नहीं पीना बोलोगे, मांस नहीं खाना बोलोगे तो तुम्हारे पास कौन आएगा? उनके बीच में समरस होना है, उनके बीच में समरस होना और उनके दिल को जीतना, तब तक तो हम लोग को समझ भी नहीं आया था, अब ये प्रैक्टिकल हो गया।